तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑर्गेनिक टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्त, जब भी आप कोई नया फ़ोन लेते हो तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्त बिना ईमेल आईडी के आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको नए फ़ोन में नया ईमेल आईडी बनाने का तरीका बताऊँगा। तो चलिए दोस्त, बिना देरी के हम आपको लेकर चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर और जानते हैं ईमेल आईडी बनाने का तरीका। इससे पहले दोस्त, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फाइनली दोस्त, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो दोस्त, नए स्मार्टफोन्स में ईमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्त, अब यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा साइन इन, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, थोड़ा सा ये चेकिंग होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसके पास आपके पास कुछ अलग इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। ओके दोस्त, तो आप थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्त, यहाँ पे लिखे नीचे लिखा है क्रिएट अकाउंट, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है फॉर माई पर्सनल यूज, दूसरा है फॉर माई चिल्ड एंड तीसरा है फॉर वर्क माई बिजनेस। तो आपको यहाँ ऊपर साइड में क्लिक करना है फॉर माई पर्सनल यूज, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्त, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम और नीचे लिखा है लास्ट नेम। लास्ट नेम ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, जिसका मैं ईमेल आईडी बना रहा हूँ उसका नाम डाल देता हूँ। ओके दोस्त, तो उसका नाम है सलाऊ। नीचे आप पर्सनल इसको छोड़ सकते हैं और डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्त, उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्त, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्त, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे है मंथ, तो यहाँ पे मंथ पे क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके दोस्त, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। ओके दोस्त, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है जेंडर, तो जेंडर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप मेल हो तो मेल सिलेक्ट करना और फीमेल हो तो फीमेल सिलेक्ट करना। फिलहाल के लिए मैं मेल हूँ तो मेल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्त, नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ईमेल दिया जाएगा, इनमें से जो भी ईमेल आपको पसंद आए उस ईमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई ईमेल पसंद नहीं है तो नीचे लिखा है क्रिएट योर ओन ईमेल एड्रेस, तो इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई ईमेल बना सकते हैं। ओके दोस्त, तो यहां से हम फिर से बैक आ जाते हैं। चलिए मैं यहां से ऊपर में से कोई एक ईमेल ले लेता हूं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो यहां पे क्रिएट योर ओन ईमेल एड्रेस पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ऊपर वाले ले रहा हूं। चलिए यहां पे हम ऊपर वाले पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्त, फिर से नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी का एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। दोस्त, इस पासवर्ड को आपको भूलना नहीं है, जो भी पासवर्ड बनाना आपको याद रखना है। ओके दोस्त, तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड बना लेता हूँ। ओके दोस्त, मैंने पासवर्ड बना लिया है। अब दोस्त, नीचे यहाँ नेक्स्ट के बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, आपके पास कुछ अलग इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ऊपर की तरफ सरकाना है और यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा यस आई एम इन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है।
ओके दोस्त, क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे देख सकते हो आपका ईमेल शो हो गया। अब फिर से यहाँ नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ देख लिखा हुआ नज़र आएगा आई एग्री, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ईमेल बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके दोस्त, तो बस दोस्तों आपका ईमेल बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हो प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप कुछ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ईमो, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो बहुत ही इजी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्त इसी तरह से आप एक नए स्मार्टफोन में ईमेल आईडी बना सकते हो। तो दोस्त इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।